ભારત પાકિસ્તાનને સરહદે આવેલા કચ્છ જિલ્લામાં સુરક્ષા ક્ષેત્રે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. કચ્છ સીમાની જાસૂસી કરતા બીએસએફના કોન્સ્ટેબલને ગુજરાત એટીએસની ટીમે ઝડપી પડતા ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે. ગાંધીધામની બટાલિયનમાં ફરજ બજાવતો કાશ્મીર જવાન સીમાની જાસૂસી કરી દુશ્મન દેશને આપતો હતો અને આ બદલે રૂપિયા મેળવતો હોવાનો પણ ઘટસ્ફોટ થયો છે. એટીએસ દ્વારા ભુજ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની કચેરીએ સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી, જેમાં જણાવાયું કે ભુજ બીએસએફ સ્ટેશનના હેડક્વાર્ટરમાંથી આ ગદ્દાર બીએસએફનો કોન્સ્ટેબલ ઝડપાયો છે. પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ ટીએટીએસના અધિકારીઓને આધારભૂત સૂત્રો પાસેથી મળેલી બાતમીને આધારે સજ્જાદ મોહમ્મદ ઇમ્તિયાજની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જમ્મુ કાશ્મીરના સરુલામાં રહેતો અને હાલ ગાંધીધામની બીએસએફ બટાલિયન 74 એ કંપનીમાં ફરજ બજાવે છે, જે બીએસએફની ગુપ્ત માહિતી પોતાના મોબાઈલમાં વોટ્સએપ મારફતે દુશ્મન દેશમાં મોકલતો હતો અને તેના બદલામાં રૂપિયા મેળવીને દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ આચરતો હતો. સજ્જાદ ગુપ્ત માહિતી બદલ તેના ભાઈ વાજીદ તેમજ તેની સાથે નોકરી કરતા મિત્ર ઇકબાલ રશીદના ખાતામાં નાણાં જમા કરાવીને મેળવતો હતો, ત્યારે એટીએસના અધિકારીઓએ આજે ભુજ બીએસએફ હેડક્વાર્ટરમાં જઈને આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની પાસેથી બે મોબાઈલ તેમજ વધારાના બે સિમ કાર્ડ મળી આવ્યા હતા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરી જિલ્લામાં રહેતો આ જવાન 2 મહિના પહેલાં તેની બટાલિયન કચ્છના ગાંધીધામમાં આવ્યો હતો. ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓની તેના પર નજર હતી અને તે અંગે ગુજરાત એટીએસને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. આ કાશ્મીરી યુવાન 7-1 વર્ષ પહેલાં જ બીએસએફમાં ભરતી થયો હતો, ત્યારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવતા સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ સતર્ક બની ગઈ છે. આ કાર્યવાહીમાં એટીએસના એસપી ઇમ્તિયાજ શેખ, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક બલવંતસિંહ ચાવડા તેમજ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વીબી પટેલ સહિતના અધિકારીઓ જોડાયા હતા. અલી મોહમ્મદ ચાકી, ZSTV, કચ્છ. ईटीएस के अफसरानों को एक हकीकत मिली हुई थी कि एक सज्जाद नाम का जो बीएसएफ में कांस्टेबल है, उसका पूरा नाम मोहम्मद सज्जाद सनोक मोहम्मद इम्तियाज है और जो राजौरी के मंजाकोट तालुका का सुरू लगा है वहाँ का रहने वाला है और गांधीधाम में जो 73 बटालियन जो बीएसएफ की है उसमें एक कंपनी में वो अपनी ड्यूटी करता है. वो आदमी अपने मोबाइल से बीएसएफ की जो सेंसिटिव मैटर होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो पड़ोसी देश को शेयर करता है, उसके बदले में पैसे लेता है और देश के खिलाफ वो गद्दारी करके देश के खिलाफ लड़ने की साजिश कर रहा है. ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ATS के SP इम्तियाज शेख, DYS PVH चावड़ा और PI वीबी पटेल, ये लोगों ने इंक्वायरी शुरू की थी. इंक्वायरी के दौरान इनको जानने मिला था कि ये जो आदमी है मोहम्मद सज्जाद, उसने अपना एक मोबाइल लिया था, जो मोबाइल उन्होंने चेक करवाया तो उसके नाम पे ही था और उसमें इसने अपनी बर्थ डेट 1/1/92 बताई हुई थी. उसके बाद उसका एक पासपोर्ट था, वो पासपोर्ट चेक किया तो उसमें अपनी पासपोर्ट में उसने अपनी बर्थ डेट 30 जनवरी 1985 दिखाई थी, मतलब अलग अलग दिखाई थी. ये पासपोर्ट के जरिए वो एक बार अटारी से पाकिस्तान में जाके आया था, वहाँ पर 46 दिन तक रुका हुआ था. ये भी इंफॉर्मेशन हमको मिली इंक्वायरी के दौरान. उसके बाद वो दूसरा एक नंबर यूज़ करता था, वो नंबर उसने यूज़ किया था तो वो नंबर की तफ्तीश की तो उसमें भी हमको जानने मिला कि ये नंबर पे ऐसे उसने एक बार OTP लिया था, वो OTP उसने शेयर किया हुआ है किसी और कंट्री में, पाकिस्तान के तौर, वहाँ से उसका वो व्हाट्सअप चल रहा है हालांकि फ़ोन बंद हुआ था. और ये सब डिटेल देखते हुए हमको लगा कि ये तो काफ़ी सेंसिटिव है और ये काफ़ी नुकसान करने वाली मैटर है. तो इसके हिसाब से हम लोगों ने आज रोज यहाँ पे BSF में आए थे. BSF में भुज में जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ के ये सज्जाद आदमी को पकड़ा हुआ है, उसको पूछपरछ किया हो तो उसके पास से 2 मोबाइल मिले, 2 एक्स्ट्रा SIM कार्ड मिले हैं और जानने मिला है कि वो ये मतलब अपने मोबाइल से ये सब सारी हकीकत BSF की गुप्त इन्फॉर्मेशन पड़ोसी देश को भेज रहा था. ये बात सही है और आगे की तफ्तीश चालू है. सर, अब तक क्या जानकारी उसने भेजी है ऐसा हमारे इंट्रोगेशन में सामने आया? अभी तक इंट्रोगेशन में तो वो BSF की जो मूवमेंट होती है, BSF की ट्रूप्स कहाँ चलती है, वहाँ पे कौन कौन ऑफिसर डिप्लॉय किए हुए हैं, वो ऑफिसर की क्या मतलब जिम्मेदारी है, वो सब आगे वो भेजता है. पाकिस्तानी काउंटर पार्ट किसको भेजता था वो इन्फॉर्मेशन और जरिया क्या था? जरिया व्हाट्सएप का था, मोबाइल व्हाट्सएप से भेजता था. और पाकिस्तान काउंटर पार्ट कौन था? वो अभी तो अंकल अंकल करके बता रहा है लेकिन उसकी
इंट्रोगेशन अभी चालू है। बीएसएफ के पहले वो कहाँ डिप्लॉयड था और वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? कहाँ से? इससे पहले वो ड्यूटी पर कहाँ इंक्लूड था और वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? वहाँ की तो वो तो ड्यूटी पर वो अभी बाकी है, हमको तो यहाँ से ही मिली। गांधीधाम में कब से डिप्लॉय था वो? गांधीधाम 2 महीने से डिप्लॉय। उससे पहले सर कहाँ था? उससे पहले वो त्रिपुरा की तरफ था। अभी सर क्या कार्रवाई उसके सामने हो रही है? अभी उसके खिलाफ हम ऑफेंस रजिस्टर करेंगे, उसके बाद उसको इसमें अरेस्ट करके उसके रिमांड लेंगे और इंट्रोगेशन चालू। जो मोबाइल मिला है उसमें से क्या क्या सामान हमको बरामद? वो उसको हम सीज करके एफएसएल में भेजेंगे, उसने क्या क्या डिलीट किया या तो क्या क्या सेंड किया उसको रिट्रीव करके उसके आगे इंक्वायरी करेंगे। सर कितने समय से सारी चीज़ें वो भेजता था पाकिस्तान? ये अभी तक जो हमको इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से तो ये 5-6 सालों से भेज रहा था, लेकिन अभी हम इसकी इंट्रोगेशन और उसकी सर क्या प्राथमिक जानकारी में ऐसा सामने आया कि डिफेंस में ज्वाइंट होना कोई मकसद के साथ वो ज्वाइंट हुआ था? हाँ, मैंने बताया कि वो जब बीएसएफ में रिक्रूट हुआ तो उसने अपनी बर्थ डेट गलत लिखवाई थी, हालांकि जो पासपोर्ट में उसकी बर्थ डेट अलग है और इसने जो यहाँ बीएसएफ में भी हुई अलग हुई है। मतलब ये हम मान सकते हैं कि बीएसएफ में रिक्रूट होने के लिए एक लिमिटेड एज होती है, उसकी ओवर एज हो गई थी और ये रिक्रूट होने से पहले पाकिस्तान विजिट कर चुका था, तो मतलब आने का मकसद यही होगा कि गलत इन्फॉर्मेशन दे के गलत बर्थ डेट लिखवा के बीएसएफ में एडमिट होना और फिर यहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर। बदले में क्या मिलता था उसको सर? पैसे मिल रहे थे। कितना अभी तक कितना मिला होगा? अभी तक तो उसकी एंट्री की हम इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे आगे उसमें पता चलता जाएगा। જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ। આવનારું નવું વર્ષ તમારા અને તમારા પરિવાર માટે ખૂબ સુખમય અને સમૃદ્ધિ લાવે અને તમારું આરોગ્ય સારું રહે તેવી આપ સૌને ભક્તાપુર સેવા સહકારી મંડળી તરફથી શુભકામનાઓ।